अपराधियों का आतंक बढ़ता गया है। कोरोना राहत के नाम पर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, कभी पीएम रिलीफ फंड तो कभी मुख्यमंत्री राहत कोष। पुलिस भी लोगों की मदद नहीं कर पा रही है। ऐसे में आप अपने आप को साइबर क्राइम से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। लॉकडाउन में साइबर अपराधियों ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। पटना में 22 मार्च के बाद से 2 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। कोई कोरोना राहत के नाम पर ठगी का प्रयास कर रहा है तो कोई कैशबैक के नाम पर। तेजी से बढ़ रही घटनाओं में पुलिस से भी मदद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में लगी है। पटना में सबसे अधिक आपदा राहत कोष के साथ साथ रिचार्ज के नाम पर ठगी के मामले सामने आए हैं। SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने थानेदारों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, साथ ही लोगों से जागरूक रहने की बात भी कही है। कोरोना की मार के बीच साइबर अपराधियों ने जेब पर वार करना शुरू कर दिया है। कोरोना से लड़ रहे भारत को बचाने को लेकर पीएम की अपील करते ही देश के बड़े बड़े लोग दान देने लगे। पटना के लोग भी अधिक संख्या में दान देने की कतार में आ गए। यह साइबर अपराधियों के लिए एक अच्छा मौका था, वह सक्रिय हो गए और प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर ठगी का जाल डालने लगे। गृह मंत्रालय ने ऐसी घटनाओं को लेकर लोगों को आगाह किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि पटना में अचानक से साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। अपराधी फेसबुक, सोशल मीडिया और अन्य कई वेबसाइटों से लोगों पर नज़र रखे हैं। कोरोना के नाम पर गूगल पे, फोन, UPI, पीएम रिलीफ फंड और कई अन्य तरीकों से ठगी कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते सामान्य दिनों की अपेक्षा ठगी करने वाले अधिक सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जैसे पीएम केयर या किसी अन्य कोष में दान देने के लिए सरकार की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। फंड ट्रांसफ़र करने से पहले जिसे पैसा देना है उसके बारे में जान लें। किसी भी ई कॉमर्स साइट पर अपने कार्ड की डिटेल कभी सेव ना करें और अपने नाम पर आए किसी भी अनजाने ईमेल पर अपना इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी खबर पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर लें। आपको लगे कि किसी प्रकार की ठगी हुई है तो पुलिस को तुरंत सूचित करें। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग जागरूक नहीं हैं। बैंक खाते से जुड़ी अपनी गोपनीय जानकारी भी साझा कर रहे हैं, अच्छा है लिंक भी शेयर कर रहे हैं। कभी भी इस तरह की जानकारी किसी भी फर्जी लोगों के साथ कभी साझा ना करें। आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल डेमोक्रेटिक लाइव।